ऑल राइट मेरे एक दोस्त ने मुझे इंस्टाग्राम पर कुछ दिन पहले मैसेज किया था और वो पूछ रहा था कि दूसरे लोग उसे काफ़ी ब्लेम करते हैं, मतलब कोई भी गलती हो जाए उसे ही ब्लेम करते रहते हैं। तो इसका आंसर मैंने उस समय उसे नहीं बताया था, बट एक काफ़ी अच्छी बात मुझे पढ़ने में आई थी जो अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक घर में एक मेहमान आते हैं और मेहमानों हॉल में जो फैन होता है उसकी तरफ देखते हैं और जो बेडरूम में जो फैन होता है उसकी तरफ देखते हैं। पूछा कि आपका हॉल का फैन जितना खूबसूरत मतलब साफ सुथरा है उतना ही आपके बेडरूम का फैन भी रखिएगा। और बट जो ओनर थे उनको पता थी बात क्या है, हॉल का जो फैन था वो वर्क नहीं करता था, मतलब चालू ही नहीं होता था, बट बेडरूम का जो फैन है वो काम करता था। एग्जैक्टली वैसे अगर आप कोई भी काम करते हो, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो लोग दूसरे ब्लेम करेंगे आपको। सॉरी टेरे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, माई नेम इज प्रतीक बुरुड़े, दिस इज सिंप्लीफाइड लाइफ स्टाइल एंड ब्लॉगिंग चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का कार्यक्रम आपको समझने के लिए आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सही है, एक बात बताए आपको, हमारे इस चैनल पर लाइफस्टाइल के रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं और मैं कुछ भी देखता हूँ तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं वो ट्राई करूँ, कोई भी चीज़ हो। तो फिलहाल यूट्यूब पर वीडियोस देखने का, काफ़ी तरह तरह के वीडियोस देखने का मुझे शौक चढ़ा है, जिसमें कि मैं काफ़ी सिनेमाटोग्राफी रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ, जिसमें थिएटर रिलेटेड वीडियोस देख रहा हूँ और काफ़ी कुछ नया नया। और उसी दौरान कुछ ब्लॉगर्स भी मेरे देखने में आ चुके हैं और वो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। सही है, तो हमारे इस चैनल पर हमने एक बीट सिंह वाला मोटो ब्लॉग किया था, बस ऐसे जस्ट कैजुअल, हमने ऑफिशियल ऐसा मोटो ब्लॉग कभी नहीं किया और मोबाइल से भाई साहब पॉसिबल भी नहीं है जी। अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं भाई साहब, देखिएगा ऑफिशियल मोटो ब्लॉग। सही है, वन ऑल राइट, वेलकम टू आवर ऑफिशियल फर्स्ट मोटो ब्लॉग। सफ़र के रुकावट के लिए खेद है, ये जनाब अभी जा रहे एक मीटिंग के लिए। काफ़ी समय हो चुका है मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाते बनाते, और एक बात कहना चाहूँगा, जो भी कंटेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो वो पूरा का पूरा मोबाइल फिल्म है, मतलब मोबाइल से शूट, मोबाइल से एडिट, सब कुछ बाय मोबाइल। यूट्यूब पर लगभग अभी मेरे 90 के आसपास वीडियोस हो चुके हैं और उन वीडियोस की एक मुझसे गलती हो चुकी है जो कि है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी मैंने काफ़ी दे दी, बट यूट्यूब पर ग्रोथ करने के लिए आपको क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी चाहिए। और यूट्यूब के स्टार्टिंग में मेरे वीडियोस की क्वालिटी कुछ इस तरह थी। ऑलराइट, दो दिन पहले मैंने एक पिंपल्स के ऊपर वीडियो बनाई थी कि उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ऑलराइट, आज से एक मंथ पहले मैंने खुद को एक चैलेंज लिया था। थोड़ी देर पहले एक मोटो ब्लॉग में हमारे जनाब आपसे कुछ कहना चाहते थे जी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। पर्सनली मैं भी होता तो मैं भी ये वीडियो कभी नहीं देखता, इसलिए बंद हो जा। मेरे जितनी भी वीडियोस है वो शूट हुई है रेडमी नोट 8 उस पर, जिसका कैमरा कुछ अजीब ही था, बट हमारा काम चल जाता था, हम शूट कर लेते थे। और जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी वो मैंने एडिट की थी मेरे J7 Prime पर, काफ़ी बता था मतलब ऑडियो ने वीडियो ने, और शूट मैंने की थी रेडमी नोट 8 पर, और एडिट में मेरे मोबाइल में मतलब J7 में करता था। और कुछ दिन जाने के बाद हमने नया मोबाइल लिया जो कि सैमसंग M51, और उसकी क्वालिटी फ़िलहाल ऐसी है। मुझे इस बात का भी रिग्रेट है कि मैंने पहले ऐसी क्वालिटी देने चाहिए थी तो काफ़ी सही होता। तो यहाँ से आगे हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पर फोकस करेंगे। सॉर्टेड। अगर आपके पास कोई आइडिया है और उस आइडिया को फेल होने के डर से आप उसे ट्राई नहीं करते तो भाई साहब आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो, इसलिए आपके आइडिया पर तभी काम कीजिएगा। और एक बात पता है, मेरे पास एक आइडिया है। डिस्क्लेमर, अभी जो आप फुटेज देखने वाले हो मैंने पहले शूट करके रखी थी जब मुझे ये आइडिया आया था, और उसके बाद मैंने उस आइडिया पर काम किया। हमारे पास एक आइडिया आई थी, शायद कोई आ चुका है बाहर, राइट। कुछ दिन पहले हमारे पास एक आइडिया थी, हमने आइडिया पर वर्क किया, इसी दौरान थोड़ा बहुत हमने जो कुछ सीखा उसे हमें अप्लाई करना है। वो चीज़ हमें कहाँ अप्लाई करनी है पता है, फर्स्ट टाइम हमारे ब्लॉग में
बिहाइंड द सीन्स। तो इतना सब कुछ देखकर आपको अंदाजा लग चुका होगा कि हम करने क्या वाले हैं। जी, थोड़ी देर पहले जिस जनाब ने आपके साथ शेयर किया था कि वो एक मीटिंग पर जा रहे हैं, तो मीटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है और उनके कुछ प्रोडक्ट्स है जिसका मुझे कमर्शियल शूट करना है, तो वही कार्यक्रम यहाँ पर फिलहाल चालू है। तो एक बिहाइंड द सीन भी हो जाएगा हमारा और साथ ही साथ व्लॉग और कुछ बातें भी। सही है, सही है। पेश है हमारा सबसे पहला बिहाइंड द सीन वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको सिचुएशन से वाकिफ कराना देना चाहते हैं। यहाँ पर एक ट्राइपॉड स्टैंड है जिस पर मैंने एक फ्लैशलाइट लगाई मोबाइल की, और साथ ही में हमारा प्रोडक्ट जो कि फेस वॉश है, और ये 10 रुपीज़ वाला चार्ट पेपर जिस पर हमें लाइट के इफेक्ट के साथ कमर्शियल इसका शूट करना है। मुझे पता नहीं मतलब कैसे होने वाला है, बट ट्राई करेंगे। सही है, हमारा शूट कम्प्लीट हो चुका है और एडिट अभी बाकी है, और अभी तक ये व्लॉग होने तक मैंने शायद इंस्टाग्राम पर एडिट कर पोस्ट भी कर दिया होगा। बट साथ ही साथ आपके लिए पेश है हमारा एक छोटा सा कमर्शियल, होप आपको पसंद आए। सही है, दैट्स इज फॉर टूडेज ब्लॉग गाइज। आई होप आपने कुछ सीखा, कुछ आपको अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। और कमर्शियल आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम रील्स एम एक्स्ट्रा कटक भी भाई साहब, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड ब्लॉग, प्रतीक पोरुड़े साइनिंग आउट।